नमस्कार प्रकाशक के पटल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की शाम काव्य गोष्ठी की शाम नूतन सवेरा फोरम डॉक्टर राही मासूम रजा साहित्य अकेडमी अद्यतन कला संगम पॉजिटिव न्यूज नेटवर्क वाइटिंग एंटरटेनमेंट के सौजन्य से संजोई जाती है। और आज की ये शाम बहुत खूबसूरत शाम होने वाली है। बहुत खूबसूरत शाम इसलिए होने वाली है कि हमारे बीच में दो अद्भुत रचनाकार हैं। और ड्यू रिस्पेक्ट टू उर्वशी जी, मैं ये कहना चाहूँगी कि मैं आज बहुत अभिभूत हूँ इस बात से कि आदरणीय विज्ञान व्रत जी जो आज हमारे पटल पर मौजूद हैं, उनका नाम मैं कब से सुनती आ रही हूँ, लगातार सुनती आ रही हूँ। और आज सौभाग्यशाली हूँ कि उन्हें सामने देख रही हूँ, पटल पर उनके साथ मैं हूँ, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और आदरणीय उर्वशी जी हैं, उर्वशी अग्रवाल जी, दोनों रचनाकारों का बहुत बहुत स्वागत है प्रकाशक के इस पटल पर। और सबसे पहले मैं आदरणीय उर्वशी जी का परिचय दे देती हूँ। बहुत जैसे कि उनकी मुखाकृति, अभी विज्ञान व्रत जी कह रहे थे, यही बात कह रहे थे, तो जैसी मुखाकृति है वैसा ही उनका व्यक्तित्व भी है, वैसे ही वो बिल्कुल सहज सरल और वैसे ही हसमुख उसी तरह से बात करती हैं। और जब भी बात करती हैं तो बस मिठास भूल देती हैं। अरे इनका संचालन कभी देखना, कभी संचालन करवाना इनसे आप, आहा हा क्या कहने हैं इनको, इनको देख के कभी कभी मैं तो ईर्ष्या होती है, मुझे जल जाता हूँ, तो यार जलता रहता हूँ अक्सर इनको देख देख। बहुत प्रतिभाशाली हैं, बहुत प्रतिभाशाली हैं ये जी, बहुत दो दो खंड काव्यों की रचना कर रही हैं, दो खंड काव्यों की रचना कर रही हैं, और काफी कुछ है, बहुत कुछ है। मैं तो थोड़ी बहुत इनका देखा है हल्का सा, कुछ खंड काव्य इनके सुने हैं मैंने, पांचाली को सुना है थोड़ा सा इनके मुख से, तो मुझे अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। और न जाने क्या क्या कुछ है, बहुत कुछ है इनके पास, बहुत कुछ जो कर रही हैं। ये प्रकाश में आना है, अभी प्रकाशन प्रकाशन होना, उसका प्रारंभ हुआ होना चाहता है। जी जी आप तो आदरणीय विज्ञान व्रत जी ने इतनी सारी बातें कह दी है, लेकिन एक ये औपचारिकता है जो कि मैं जरूर पूरा करना चाहूंगी। उर्वशी अग्रवाल जी, जैसा कि अभी पता लगा कि वो होता है होनहार बिरवान के, तो बचपन से ही उन्हें कविताओं की तरफ रुझान रहा और बहुत ज्यादा अच्छी लगती थी कविताएं, तो वो बचपन का जो शौक था वो पनपा और पल्लवित हुआ, पुष्पित हुआ, और अब आज एक घना छायाधार वृक्ष बनने की दिशा में है। और सरह की भाषा की लेखिका है, जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है। सरह की एक ऐसी भाषा है जिसके बारे में उर्वशी जी से हम बात करेंगे। इस दिशा में, इस भाषा को संरक्षित करने में और इसे आगे बढ़ाने में वो लगातार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी काम कर रही है। बहुत खूब बात है ये, और इसके लिए वो बिल्कुल तालियों के हकदार है। अंतर्राष्ट्रीय प्रभारी है मनमुक्त मानव मेमोरियल ट्रस्ट की, साहित्य अमृत की संपादिका है, डिफेंस एंड सिक्योरिटी अलर्ट मैगजीन की प्रेसिडेंट है, पब्लिकेशन हाउस से संबद्ध है और त्रिपुल की संस्थापिका है। ये तो उनके सिर्फ मैंने वो काम गिनाए हैं जिन जो जिसमें वो मसरूफ रहती हैं, और उस मसरूफियत के बीच में भी उनका साहित्य सृजन चलता रहता है। और साथ ही साथ जो टेलीफोन कॉल्स होते हैं उनको भी बड़ी खूबसूरती से अटेंड करती हैं, चाहे वो ड्राइव कर रही हो, चाहे कहीं मसरूफ हो, और बड़े अच्छे ढंग से बहुत खूबसूरती से जवाब देती हैं। तो उन्होंने करीब उनके 5 संकलन हैं जो कि प्रकाशित होने की राह पर हैं। पांचाली खंड काव्य है जिसके बारे में अभी आदरणीय विज्ञान व्रत जी ने जिक्र किया ही था। और इसके अलावा मुशायरों में और कवि सम्मेलनों में लगातार शिरकत करती रहती हैं। आजकल तो ये जो डिजिटल प्लेटफॉर्म उपलब्ध हो गया है, इसके जरिए भी उनकी यूं तो वो विख्यात हैं ही विदेशों में भी, लेकिन इसके जरिए वो लगातार मुशायरों में और जो नशिस्तें हैं उनमें लगातार शिरकत करती रहती हैं। इसके अलावा देश में आकाशवाणी और दूरदर्शन में काव्य पाठ करती हैं।
अक्सर उनके काव्य पाठ सुनाई देते हैं, लगातार जुड़ी हुई हैं। तो बहुत खुशी हो रही है उर्वशी जी का स्वागत करते हुए। उर्वशी जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ मौजूद हैं आदरणीय विज्ञान व्रत जी। विज्ञान व्रत जी की अगर रचना संसार की मैं बात करूं तो यही कहूंगी कि जिसका ओर न छोड़ बहुत विस्तृत है, और उस विस्तृत रचना संसार में भ्रमण करते हुए जो विज्ञान व्रत जी का व्यक्तित्व है वो इतना बहुमुखी है कि उसमें से तमाम सारे सुंदर सुंदर रंग नजर आते हैं। रंगों की बात मैंने खासतौर से इसलिए की क्योंकि रंगों के भी बहुत धनी है आदरणीय सर। सबसे पहले मैं लेखन की बात करूंगी तो प्रकाशित पुस्तकें अगर गजल संग्रह हैं, बाहर धूप खड़ी है, चुप की आवाज, जैसे कोई लौटेगा तब तक हूँ मैं जहाँ हूँ, लेकिन गायब रोशनदान याद आना चाहता हूँ। दोहा संग्रह भी है, खिड़की भर आकाश, नवगीत संग्रह है, नेपथ्यों में कोलाहल, बालगीत संग्रह भी है, अक्कड़ बक्कड़ इल्ली गिल्ली, 300 से ज्यादा प्रमुख पत्र पत्रिकाओं में गजलें, दोहे, बालगीत, लेख, चित्र और समीक्षाएं प्रकाशित हुई हैं और उनकी गजलों पर लघु शोध और शोध होता रहा है। वाह 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 वाह, बहुत खूब रोशी जी ने दिखा दिया, क्या बात है, बहुत खूब बहुत खूब, ये हुई ना बात। ये तो सोने पर सुहागा हो गया। आवाज ब्रेक हो रही है उर्वशी जी, आपकी आवाज अब आ रही है मेरी आवाज? हाँ अब आ रही है। मैंने कहा मेरे पास इनके 7 संग्रह तो इस वक्त पड़ी रखी है मेरे पास, जिनको कि मैं लगातार पढ़ रही हूँ, कितना पढ़ा जाए इसका जी, सीखने की कोशिश कर रही हूँ इनको पढ़। साहित्य अकादमी दिल्ली में गजलों का एकल पाठ, शताधिक काव्य संकलनों में रचनाएं संकलित हैं। दूरदर्शन और आकाशवाणी पर विगत 40 वर्षों से नियमित प्रसारण होता रहा है आपकी रचनाओं का, वार्ताओं का और साक्षात्कारों का। अगर सम्मान की बात करें तो साहित्य के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय वातायन सम्मान, सुरुचि सम्मान, परंपरा सम्मान, ये समन्वय सारस्वत सम्मान, अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन मॉरिशस में आधारशिला कलाभूषण सम्मान, अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन नीदरलैंड में हिंदी गौरव सम्मान, अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन सिंगापुर में साहित्य सम्मान, मनुस्मृति सम्मान अयन प्रकाशन दिल्ली की तरफ से, और कमल सरहदी सम्मान साहित्य मंडल सम्मान से सम्मानित हैं। पंचकुला हरियाणा से आपको ताजे हिंदुस्तान के उपाधि से नवाजा गया है। दूरदर्शन पर प्रसारित धारावाहिक जी ताजे हिंदुस्तान धारावाहिक वापसी में गीत लेखन तथा अभिनय भी, ये देखिए एक और नया रुख खुला, और जैसे जैसे हम आगे पढ़ते जाएंगे अनेक पहलू खुलते जाएंगे। श्री जगजीत सिंह, श्री निशांत अक्षर और श्री धनंजय कौर द्वारा गजलों का गायन हो चुका है। चित्रों की करीब 39 एकल प्रदर्शनियां देश के विभिन्न शहरों में आयोजित हुई है, और इसके अलावा लंदन, नॉटिंगम, यॉर्क, लेस्टर और यूके के साथ सिंगापुर में भी उनकी जो एग्जीबिशंस हैं वो बराबर लगती रही हैं। 2009 से 2011 तक सांस्कृतिक मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आपको विशेष फेलोशिप दी गई है। अमृतसर द्वारा कलाकृति के लिए पुरस्कृत हुए हैं। ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश द्वारा कलाकृति के लिए पुरस्कृत हुए हैं। विभिन्न प्रदेशों की ललित कला अकादमी द्वारा आपके चित्रों को सम्मान से नवाजा गया है, और इसके अलावा शताधिक प्रसिद्ध लेखकों की पुस्तकों तथा प्रतिष्ठित पत्रिकाओं के आवरणों पर चित्रों का प्रकाशन हुआ है। देश विदेश में आयोजित राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय कवि सम्मेलनों और मुशायरों में काव्य पाठ करते रहे हैं। इंग्लैंड और आयरलैंड के 17 प्रमुख शहरों में अंतर्राष्ट्रीय कवि सम्मेलनों में काव्य पाठ किया है। 2012 में विश्व हिंदी सम्मेलन में भागीदारी, जो कि दक्षिण अफ्रीका में आयोजित हुआ था, और अंतर्राष्ट्रीय कवि सम्मेलन में काव्य पाठ किया है।
अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन मॉरिशस और सिंगापुर में काव्य पाठ किया है, और इसके अलावा बहुत सारी उपलब्धियां हैं। प्रसार भारती राजकोट में आयोजित सर्वभाषा कवि सम्मेलन में काव्य पाठ किया है, और अनेक देशों की यात्राएं कर चुके हैं अपनी कविताओं के साथ और अपने खूबसूरत चित्रों के साथ। तो मैंने कहा था ना कि मैं जब उनके परिचय के बारे में पढ़ना शुरू करूंगी तो करीब अच्छा खासा समय जाएगा, और उसमें उनके व्यक्तित्व के कितने सारे पहलू खुलेंगे कि हम आश्चर्यचकित हो जाएंगे। तो मुझे भी ऐसा ही आश्चर्य हुआ था, और अब तो मैं अभिभूत हूँ। तो बहुत बहुत धन्य होकर स्वागत कर रही हूँ आदरणीय विज्ञानव्रत जी का, बहुत बहुत स्वागत। आज की इस शाम का शुभारंभ कर रहे हैं, और हमारे साथ मौजूद है इस वक्त श्री प्रेम बिहारी मिश्रा जी। स्वागत है प्रेम बिहारी मिश्रा जी आपका। सुधा जुगरान जी बहुत अच्छी रचनाकार हैं, सुधा जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। सुधा त्रिपाठी शुक्ला जी हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस शाम की शुरुआत मैं चाहूंगी कि आदरणीय उर्वशी जी द्वारा की जाए। स्वागत है उर्वशी जी आपकी रचनाओं के साथ। स्वागत स्वागत, बहुत दिन बाद आपको सुनने का मौका मिल रहा है जी। गुलशन में किस वस्त्र के आनंद में जीने की तमन्ना क्या, मरने की दूर तुम साहिब मसनद हो, तुम साहिब दावत हो, महफिल ये तुम्हारी है, कुलजी की निजामत महफिल। जैसा कि विज्ञान जी ने कहा था कि संचालन कर रही थी, तो ये पंक्तियाँ इसीलिए मैंने याद करी। ये महफिल तो राजू जी की है, तो हम तो महज मेहमान थे। और उसके बाद शुरू करती हूँ अपना कारोबार चार चार पंक्तियों से पूछती कि सबसे पहले तो आपने हमें आज यहाँ पे पूजे पक्षी में रखा है, और विज्ञान वर्जित पक्षी को नमन करके लिए पंक्तियाँ पेश करती हूँ कि खैर मकदम उनका तेरे बंटी, खैर मकदम उनका मन में क्योंकि आप कह रही हैं, खैर मकदम अपना यानी कि मेरा और विज्ञान जी का उनका, खैर मकदम अपना उनके मंच में जो किया पुरनूर मंजर हो गया, आम दे मखसूस पूर्वी जो भी मंच का तगड़ा मुनव्वर, आम दे मखसूस उनकी अपनी जो हुई मंच का तगड़ा मुनव्वर। अच्छा बाबा हुई है तो बाबा पर भी चार पंक्तियां हैं, मंच का चेहरा मुनव्वर हो गया जी। शुरुआत है कि दिल के सोए हुए अरमान जुबा तक पहुंचे, दिल के सोए हुए अरमान जुबा तक पहुंचे, मेरी आंख के समंदर भी कहां तक पहुंचे, किस तरह खरीदेंगे आप वफा का सौदा, आप बाजार की पहली दुकान पर, आप बाजार विज्ञान की होती है तो उर्वशी नाथी जी की पहली थी कर सकती है, जो कि मैं कह रही हूँ कि उर्वशी जी एक गुजारिश करूँ मैं आपसे जी, जी आप आपकी आवाज बहुत ब्रेक हो रही है, आपको भी ऐसा लग रहा है जी? अब आ रही है मेरी आवाज? आवाज तो आ रही है, थोड़ी ब्रेक हो रही है, ब्रेक हो रही है। वफा की बात कैसी है करो मत जिक्र उनको, वफा की बात कैसी अब करो मत जिक्रे उल्फत, अब नहीं मिलती नहीं मिलती नहीं मिलती मोहब्बत, अगर चाहे तो बाजी हम, अगर चाहे तो बाजी अब भी हम ही जीत सकते हैं, मगर हो तुम नहीं उर्वी हमी से ही बगावत, मगर होती क्या बात, क्या बात हमी से बगावत, अब क्या बात, क्या बात,
चार चार पंक्तियों से जुड़ रही हूँ कि तन्हाई में घूम रही थी, उसने सोचा नशे में हूँ। तन्हाई में घूम रही थी, उसने सोचा नशे में हूँ। आंसू पीकर घूम रही थी, उसने सोचा नशे में, नशे में तन्हाई में घूम रही थी, उसने सोचा नशे में हूँ। आंसू पीकर घूम रही थी, उसने सोचा नशे में हूँ। नशे में एक पागल जिसको अपने आंसू से लिख भेजा था, एक पागल जिसको अपने आंसू से लिख भेजा था, उस चिट्ठी को झूम रही थी, उसने सोचा नशे में, नशे में हूँ। क्या बात, क्या बात, उसने सोचा नशे में हूँ। और उपस्थिति विज्ञान जी की है तो ऐसा लग रहा है कि पहले मैं उनको सुन लूं, उसके बाद बात करते। खैर एक गजल पेश करती हूँ और गजल का मतलब है सर कि अगर ये बात हम सबको बता देते तो क्या होता, अगर ये बात हम सबको बता देते ये तो क्या होता, नजर में आपको सबकी गिरा देते तो क्या होता। अच्छा वाह, ये बात हम सबको बता देते तो क्या होता, नजर में आपकी, नजर में आपको सबकी गिरा देते तो क्या होता, अगर हम आसमां सर पर उठा देते तो क्या होता। क्या होता फिर अगर हम अगर हम आसमां आत्मा सर उठा पर देते उठा तो लेते। क्या। कहानी कहानी पर सरे महफिल सुना देते तो कहानी क्या पर होता। फिर कहानी पर पढ़ें इसको। अगर हम आसमां सर पर उठा देते तो क्या होता, कहानी भर सरे महफिल सुना देते तो क्या होता। मुझे तूफान जब घेरा बचाने को सभी आए। सर फिर पेश कर रही हूँ, मुझे तूफान जब घेरा बचाने मेरा को सभी आए, सब अगर आए तुम्हारा सपना भी बढ़ा देते तो क्या बढ़ा देते होता। तो क्या होता। क्या कहने हैं, वाह 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 वाह, आपको अपना भी बढ़ा देते तो क्या होता। चलो क्या बात अच्छा है। हुआ, चलो अच्छा हुआ तुम रास्ते में खुल गए वरना। आहा अच्छा, चलो अच्छा चलो हुआ तुम अच्छा हुआ रास्ते में खुल रास्ते में गए खुल गए वरना, वरना। अगर मंजिल पे आकर तुम दगा देते तो क्या होता। क्या बात, क्या बात, अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, वाह वाह वाह। अरे हम हार जाने में भी खुश थे, पर जरा सोचो हमें तुम जीत जाने की सजा देते तो क्या होता। हमें तुम जीत आवाज फिर कट जाने रही है, आवाज आवाज फिर कट रही है, आवाज फिर कट रही है, गड़बड़ हो रही है। तो आप पढ़िए तब तक, जादू का तो बुलाइए, मैं थोड़ा इंटरनेट की दोबारा से चैटिंग करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आवाज बहुत आपका गड़बड़ हो रही है। राजन जी। म्यूट कीजिए, म्यूट कीजिए अपने आप को, अनम्यूट कीजिए अपने आप को, अनम्यूट करो। आपकी आवाज नहीं आ रही है राजुल जी। अर्जुन जी अपने आप को म्यूट कीजिए, म्यूट कीजिए, आवाज नहीं, आवाज नहीं आ रही है। अनम्यूट करो, अनम्यूट। आप फिर से आइए एक बार, फिर से ज्वाइन कीजिए आप। नहीं आ गया। मैं इनवाइट करती हूँ तब तक गजल सरकार विज्ञान व्रत जी को। राजू जी आप फिर से आइए दोबारा से एक बार, डिस्कनेक्ट करके बता नहीं रही आ क्या रही बात है, आप, क्यों आपकी आवाज नहीं आ रही। नहीं आ रही नहीं आ रही आवाज। राजू जी मैं विज्ञान जी को इनवाइट करती हूँ सबसे। विज्ञान जी आप पढ़िए, आपका मैं स्वागत करती हूँ। कितने देर पढ़ना है मुझे। आप पढ़िए सर, आप और मैं तो हैं। ठीक है आपका स्वागत है। मैं कुछ
जो नई किताब है ना शर्मिंदा पैमाने थे, जी उसमें सर, से जी कुछ सर, गजलें, उसमें से एक आध गजल पढ़ रहा हूँ, देखें। जी सर, आपका आपका स्वागत है। जिस्म जिसका है बयां मुझ में, मतलब आज करता हूं कि जिस्म जिसका है बयां मुझ में, जिस्म जिसका है बयां मुझ में, कौन है ये बेजबां मुझ में। क्या जिस्म बात है, जिसका है बयां मुझ में, कौन है ये बेजबां मुझ में। और साहब शेर देखें कि जो रहा होकर कभी मेरा, जो रहा होकर कभी मेरा, जो रहा होकर कभी मेरा, वो मिलेगा अब कहाँ मुझ में। वाह वाह सर, वाह 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 वाह, जो रहा होकर कभी मेरा, वो मिलेगा अब कहाँ मुझ में। राजुल जी को देखो, आवाज इनकी आ रही है नहीं आ रही है? ये अब आ नहीं रही आ है, रही है। अब आ रही है। आ रही है, जी जी अब आवाज आ रही है। जी वो अब आ रही आपका है। आपका माइक इसने, उर्वशी ने संभाल लिया। हाँ, देखिए आपने कहा था, आपने इच्छा जाहिर की थी, तो फिर वो तो होना ही था किसी ना किसी तरीके से। तो कुछ मेरी इच्छा तो पता ऐसा ही क्या क्या है मैडम। अच्छा मैं गजल का मतलब दोबारा पेश करता हूँ। जी, स्वागत। अभी और यार मेरे अभी कमरे में भी आवाज आ रही पहली है बात ना। तो पहला पहले पहली पहला मेरा फर्ज ये है कि मैं आपका धन्यवाद करूं राजुल जी, और मुझे बहुत अच्छा लगा, और साथ में उर्वशी जी का साथ होना, उनको सुनना अपने आप में एक सुयोग है, और बहुत भाग्य से नसीब होता है अच्छे लोगों को सुनना। आज आपको उनको सुनने को मिल रहा है, अच्छा लग रहा है। आपके सानिध्य में मैं काव्य पाठ कर रहा हूँ, ये बहुत अच्छी बात है। जिस्म जिसका सम्मानित, है बयां मुझ में, अर्ज किया है कि जिस्म जिसका है बयां मुझ में, कौन है ये बेजबां मुझ में। वाह, और साहब जो रहा होकर कभी मेरा, जो रहा होकर कभी मेरा, जो रहा होकर कभी मेरा, वो मिलेगा अब कहाँ मुझ में। अरे वाह, सेवन, और था सितारों से कभी रोशन, था सितारों से कभी रोशन, था सितारों से कभी रोशन, क्या हुआ वाह वो आसमां मुझ में। वाह, क्या था सितारों से कभी बात रोशन, क्या हुआ वो आसमां मुझ में। और जो बनाया था, शेर देखें कि जो बनाया था कभी तूने, जो बनाया था कभी, जो बनाया था कभी तूने, अब नहीं वो आशियां मुझ में। है। आप वाह सर, क्या और बात है। आखिरी शेर, जो बनाया था कभी तूने, अब नहीं वो आशियां मुझ में। और गजल का आखिरी शेर करता हूं कि डूबने का शौक था तुमको, डूबने का शौक था तुमको, डूबने का शौक था तुमको, लो हुआ दरिया रवा मुझ में। अरे वाह वाह, क्या बात है, जिस्म बहुत जिसका है बयां मुझ में, जिस्म जिसका है बयां मुझ में, कौन है ये बेजबां मुझ में। और ये मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा टेस्ट भी आपका थोड़ा बदला जाए। मैं कुछ दोहे सुना दूं उर्वशी जी, राजू जी, जी, दोहे आपकी इजाजत हो तो स्वागत है, स्वागत कुछ है आदरणीय। दोहे थोड़े सुना देता हूँ, थोड़े से दो चार, उसके बाद में फिर मैं, गजलें तो हैं ही, कितनी देर पढ़ना है हमें राजुल जी? जी आप पढ़िए, हमारे पास 6 बजे तक का समय है, आप पढ़िए। ठीक है ठीक है। तो मुझे उनका एनीवे, चलिए पहले मैं कुछ दोहे पढ़ देता हूँ, उसके बाद में उर्वशी जी से निवेदन करता हूँ वो पढ़ें, और उसके बाद में थोड़ा सा मुझे स्फुल्लिंग मिलेगा ना, थोड़ा सा जी सर, जरूर प्रमोशन मिलेगा, सर, तो मैं जरूर अपनी सर। गजलें कुछ पेश करूंगा। लो जी पहले पहला दोहा देखें आप। जो पानी पर आग हो, जो जो पानी पर आग हो, छांव पहन ले धूप, अरे जो पानी पर आग हो, छांव पहन ले धूप, और रे, सागर में सहरा दिखे ऐसा तेरा रूप। वाह वाह वाह, बहुत खूब, और एक बहुत। एक और देखें, एक पक्ष और देखें कि नोचे भी यदि फूल को, स्वभाव के बज स्वभाव के लिए मैंने कहा है दोहा ये, कि नोचे भी यदि फूल को देता है मकरंद, नोचे भी यदि फूल को देता है मकरंद, और बहे क्रौंच की
पीर से आदि अनुष्टुप छंद। वाह वाह वाह, बहुत सुंदर बहुत सुंदर, शुक्रिया बहुत शुक्रिया शुक्रिया। पहे क्रौंच की पीर से आदि अनुष्टुप छंद, ये पूरा प्रकरण है क्रौंच वाला मानुषाद। हाँ, और मैं तो पूरे दृश्य का समझा ये निहितार्थ। उर्वशी जी ये दोहा देख, अर्ज किया है कि मैं तो पूरे दृश्य का समझा ये निहितार्थ, मैं तो पूरे दृश्य का समझा ये निहितार्थ, युद्ध किया था कृष्ण ने लड़ता दिखा पार्थ। और साहब ये देखे के मैं तो पूरे दृश्य का समझा ये निहितार्थ, और ये दोहा देखें कि अलग अलग हैं मोर्चे अलग अलग हैं युद्ध, अलग अलग हैं मोर्चे अलग अलग हैं युद्ध, और कृष्ण लड़े जिस युद्ध को लड़ पाता क्या बुद्ध। अरे वाह वाह, क्या बात है क्या बात है क्या बात है, बहुत खूब। कृष्ण लड़े जो कृष्ण ने जिंदगी भर बचपन से लगाकर और आखिरी दम तक उस आदमी ने संघर्ष किया है, केवल संघर्ष किया है, केवल पलायन नहीं किया कभी भी, न दैन्यम न पलायनम, ये उसका सूत्र था, न दैन्यम न पलायनम। और जो पलायन करता है आदमी, ठीक है बड़ा पलायन करना बड़ा आसान है, और संघर्ष करना बहुत मुश्किल है। संघर्ष करना, धारा के विरुद्ध चलना, हवा के विरुद्ध चलना मजाक नहीं है। कृष्ण लड़े जिस युद्ध को लड़ पाता क्या बुद्ध। और यह दोहा देखें कि मैं खुद में रहता नहीं, मुझ में रहते लोग। मैं खुद में रहता नहीं, मैं खुद में रहता नहीं, मुझ में रहते लोग। मैं खुद में रहता नहीं, मुझ में रहते लोग, और खुद को मैं अपने लिए करता नहीं प्रयोग। खुद को मैं अपने लिए करता नहीं प्रयोग। और साहब ये मैं खुद को जाना नहीं, मैं खुद को समझा नहीं, कैसा ये दुर्योग। मैं खुद को समझा नहीं, हर हर दोहे के पीछे, मेरी हर हर गजल के पीछे कोई ना कोई घटना है, मैं जो भोगा है वही वही कागज पर उतारा है। शौक के लिए शायरी, शौक के लिए दोहे नहीं कहे हैं, शौक के लिए शायरी नहीं की है, शौक के लिए गीत नहीं लिखे हैं। बहरहाल कि देखें कि मैं खुद को समझा नहीं, कैसा ये दुर्योग। मैं खुद को समझा नहीं, कैसा ये दुर्योग, और मैं क्या हूं अक्सर मुझे बतलाते हैं लोग। वाह, मैं क्या हूं अक्सर मुझे बतलाते हैं लोग। और ये दोहा देखिए, मनसा वाचा कर्मणा, मनसा वाचा, मनसा वाचा कर्मणा, हम यदि हैं शालीन। उर्वशी जी ये आपके लिए दोहा है। मनसा वाचा कर्मणा, हम यदि हैं शालीन, इसका मतलब ये नहीं हमको समझो दीन। क्या बात है, बहुत खूब बहुत खूब बहुत खूब। और एक दोहा और देखें राजुल जी, ये आपके लिए है। स्वागत। वो पैमाना ही नहीं, वो पैमाना ही नहीं नाप सके जो व्यास, वो पैमाना ही नहीं नाप सके जो व्यास, एक छोर, वो पैमाना ही नहीं नाप सके जो व्यास, एक छोर आ सकती हूँ एक छोर सन्यास। वाह वाह वाह, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, बहुत सुंदर बहुत सुंदर, वाह वाह। और साहब एक जिंदगी जिंदगी, देखें उर्वशी, एक जिंदगी जिंदगी, एक जिंदगी जिंदगी, एक जिंदगी मौत, एक जिंदगी जिंदगी, एक जिंदगी मौत, दोनों मेरी ब्याहता एक दूजे की सौत। वाह 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 वाह। और साहब ये दोहा और देख लें आखिरी आज का, अब यूं तो बहुत सारे हैं, 4 घंटे दोहे पढ़ता रहूं तो तब भी खत्म नहीं होंगे। एनीवे ये दोहा देखें कि तेरे मेरे बीच में,
इस दोहे के साथ मैं उर्वशी जी को बुला रहा हूँ, आह्वान कर रहा हूँ आपके बिहाफ पे राजुल जी। राजुल जी आपका नाम बड़ा प्यारा है, बड़ा बड़ा मखमली सा नाम है आपका, और इसके लिए आपकी मम्मी को मुबारकबाद बहुत बहुत। उनसे कह देना मेरी तरफ से कि विज्ञान का मुबारकबाद आपके लिए। पटल पर आ गई और आप लोगों को सुन रही हैं और कह रही हैं बहुत। हाँ, सुनकर दिल खुश हो गया, उन्होंने कमेंट किया है। हाँ, उन्होंने उनसे कह देना कि आपका नाम बहुत मखमली है, बड़ा प्यारा सा नाम है, बहुत प्यारा नाम है। एनीवे, कि तेरे मेरे बीच में आड़े है तकदीर, तेरे मेरे बीच में, तेरे मेरे बीच में आड़े है तकदीर, तेरे साथ कुबेर है मेरे साथ कबीर। वाह क्या बात है, बहुत खूब बहुत खूब बहुत खूब बहुत सुंदर बहुत सुंदर। माइक आपके हाथ में है, अब आप देखें जैसा जब जो आज्ञा होगी मेरे लिए मैं हाजिर हो जाऊंगा, उपस्थित हो जाऊंगा। उर्वशी जी से अनुरोध है, उनकी गुजारिश है, उनकी गजल सुनने के लिए बेकरार हैं हम। अगर मुझे भी इजाजत दो तो सर ने दोहे सुनाए हैं तो मेरा भी कुछ दोहे सुनाने को। जरूर जरूर, ये पूरी तरह से आप पर ही है कि आप क्या सुनाए। इनका दोहों का तो एक मेरे ख्याल से आपका एक वो भी है, खंड काव्य है दोहों का ही है ना। करूंगी मैं शबरी हूँ राम की, मैं शबरी हूँ राम की, मैंने उसके कुछ अंश सुने हैं, इनके मुंह से ही सुने। अच्छा, मुझे बहुत अच्छा लगा। इस वक्त हमारे साथ मंच पर बहुत सारे लोग जुड़ गए हैं। भावना शर्मा शुक्ला जी सुप्रसिद्ध साहित्यकार, बहुत स्वागत है आपका। ओम प्रकाश नूर जी, वैसे तो इनके इनके दर्शन होते नहीं है भावना शुक्ल के, चलो इस बहाने से ही कम से जुड़ी। सो अंजू जैन जी हैं, प्रमिला भारती हैं, पूनम अहमद जी हैं, बहुत स्वागत है आप सभी का। सुधा आदेश जी बहुत सुंदर कहानीकार, आपका भी बहुत बहुत। पुलिस जोशी बहुत परिपक्व और ऊंची बातें करने वाले और ऊंचा लिखने वाले एक इंसान है, व्यक्तित्व है, और उनका भी बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं। अब उर्वशी जी की तरफ माइक है और आप सभी अपना समय निकालकर हमारे बीच में उपस्थित हैं, हमें सुन रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। तो दोहा पेश करती हूँ कि बदलू तो मैं वक्त हूँ, हम जाओ हालात, तो मैं वक्त हूँ थम जाओ हालात, छू लो तो एहसास हूँ, छलकू तो जज्बात। वाह क्या बात है, क्या बात है, छलकू तो जज्बात। और दोहा है कि मैंने सोचा आज फिर कर लूं तुझसे बात, मैंने सोचा आज फिर कर लूं खुद से बात, मैं भटकी फिर दूर तक मिली न मेरी जात, मैं भटकी फिर दूर मिली न मेरी जात। दोहा पेश करती कि कल मैंने दीवार के देखे हैं दो हाथ, मैंने दीवार के देखे हैं दो हाथ, सीने से मुझको लगा रोई सारी रात। बहुत बहुत धन्यवाद कि मैं पत्थर की हूँ शिला कर दो तुम, मैं पत्थर की हूँ शिला, मैं पत्थर की हूँ शिला कर दो तुम कल्याण, छूकर मेरे राम जी फूको मुझ में प्राण, फूको मुझ में प्राण। क्या बात है, वाह वाह, मिथक मिथक को जिया आपने, वाह वाह वाह। और दोहा पेश करती हूँ उसी खंड काव्य से, मैं शबरी हूँ राम की, टाइटल भी यही है, अधिकतर दोहों की शुरुआत भी यही से है कि मैं शबरी हूँ राम की, शक्ति रहती बे, शक्ति रहती रास्ता पर शक्ति रास्ता हुई कहाँ पर देर, इतने अचरज से भरा
शबरी का किरदार। मेरी ये जो खंड है, मैं शबरी हूँ राम की, इसमें करीब 500 दोहे हैं, जिसमें हर दोहे में शबरी का जिक्र है, हर दोहे में जी शबरी का जी शबरी अद्भुत है, अद्भुत है। इतनी सी उम्र में दो खंड काव्य का रचना करना, क्या बात है, वाह वाह वाह। इतने अचरज से भरा शबरी का ये काम, दांतों से लिखती रही बेरों पर वो राम। वाह क्या क्या बात है, वाह बात है, क्या बात है, वाह बहुत खूब, वाह वाह बहुत वाह खूब, वाह वाह वाह, बेरों बहुत खूब, क्या बात पर है। वाह। शबरी के जिस राज से पर बोले था काम, हाँ पराकाष्ठा देखी जी शबरी के जिस राज से पर बोले था काम, हाँ हाँ वही कीला रास्ता बन जाता था पास, वही अच्छा कठिन है, था। अच्छा है, वाह 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 वाह, राह सजाने में सदा रहती थी तल्लीन, हाँ सजाने में सदा रहती थी तल्लीन, फूलों से महका हुआ शबरी का कालीन। क्या बात है, वाह क्या वाह बात है, हुआ, क्या बहुत बात सुंदर, है, बहुत सुंदर। वाह वाह, और राम न अब तुम कीजिए इतनी देर फिजूल, राम न अब तुम कीजिए इतनी देर फिजूल, आकर आहा के स्वीकारिए शबरी के फल फूल, आकर बहुत के सुंदर, वाह 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 वाह, बहुत सुंदर, राम बहुत सुंदर। नाम की धूप है, राम नाम की छाव, राम क्या अंदर है स्वयं, नदियां पड़ती पांव, राम बात, समंदर नदियां पड़ती पांव, और पावन मन की स्वामिनी पावन कितनी आस, राघव को आना पड़ा शबरी तेरे पास, क्या राघव बात, को आना क्या पड़ा बात है, क्या बात है, शबरी वाह तेरे वाह पास, वाह वाह राघव वाह को वाह आना वाह, पड़ा। और बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, वाह वाह वाह, क्या बात है इस पुस्तक का जो अंतिम दोहा है इस पुस्तक से जी। है जो, कि शबरी बोली राम से देकर अंतिम ढोक, शबरी अच्छा बोली राम से देकर अंतिम ढोक, मुझको दर्शन हो गए अब जाऊं परलोक। क्या बात तो है, अच्छा है, बहुत वाह वाह वाह, ढोक सुंदर, अच्छा बहुत इस्तेमाल किया शब्द का। अब कोई तीन गजलें, दोहे। गजलें आप इनायत फरमाएं, कुछ थोड़ी सी गजलें हो जाएं। हाँ सर, मैं तीन दोहे अपनी तबीयत के कहने के बाद एक गजल कहूंगी, उसके बाद मैं आपको सुनना चाहूंगी। कि पत्ते मुझसे पूछते उर्वी तुम हो कौन, पत्ते पत्ते मुझसे मुझसे पूछते पूछते उर्वी तुम हो कौन, हो कौन, मैं वो जड़ हूँ पेड़ की, रहती हूँ जो मौन। वाह 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 वाह, वाह वाह, खूब खूब। क्या मैं बात, वो जड़ पेड़ की, रहती हूँ जो मौन, और वाह थामो उर्वी प्यार से ले लो मेरे भेद, अच्छा है, अच्छा है, थामो उर्वी क्या प्यार से ले लो मेरे मेरे भेद, भेद, मैं तो हूँ वो बांसुरी जिसके दिल में छेद, मैं तो क्या बात है, अच्छा है, जिसके बहुत दिल सुंदर, में छेद, नया प्रयोग, नया प्रयोग किया, इसके दिल में छेद, अच्छा बहुत है, नया प्रयोग है, सुंदर। नया दुनिया प्रयोग, की भीड़ में जाऊं किसके पास, दुनिया की इस भीड़ में जाऊं किसके पास, मुझको तो इंसान से आती छल की बात, क्या मुझको बात, तो इंसान से आती छल की बात, चल की बात, ऐसे नहीं कह सकते हैं, आती है इंसान से कोरोना की बात। बहुत धन्यवाद, बहुत 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 धन्यवाद। अब एक गजल आपके सामने समक्ष पेश करके मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी और आदरणीय विज्ञान सर को सुनना चाहेंगे। कि मौन की भाषा समझ लो चुप रहूंगी, बांसुरी आहा बांसुरी मुझको बना लो बज उठूंगी, मौन क्या बात, की भाषा समझ लो चुप
रहूंगी मातुरी मुझको बना लो बज उठूंगी अंक तुम बन कर रहो यदि साथ मेरे अंक तुम बन कर रहो यदि साथ मेरे साथ तेरे शून्य के जैसे जुड़ूंगी साथ तेरे शून्य के जैसे जुड़ूंगी राज चिट्ठी में लिखा पढ़ लीजिए अब राज चिट्ठी में लिखा पढ़ लीजिए अब बात ऐसी है किसी से ना कहूंगी बात है किसी से ना कहूंगी अब थकन इतनी की तुमको क्या कहूँ मैं बाहों में आकर तिहारी गिर पड़ूंगी अंत मेरा है यदि तो थाम लेना अंत मेरा है यही जी रही हूँ आपके बिन ना मरूंगी जी रही हूँ आपके बिन ना मरूंगी आप ही जब ना मिले तो उर्वशी में आप ही जब ना मिले तो उर्वशी में आपके दुनिया भला फिर क्या करूंगी क्या बात क्या बात दुनिया फिर क्या करूंगी मौन की भाषा समझ लो चुप रहूंगी बांसुरी मुझको बना लो बज बज उठूंगी क्या बात वाह 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 जी जी राजू बहुत खूबसूरत सुभाष शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं बहुत स्वागत सुभाष जी आपका दिव्या त्रिवेदी बहुत स्वागत आपका इंदु चौबे जी हैं बहुत बहुत स्वागत आपका सभी आप सभी को आनंद आ रहा है इस काव्य गोष्ठी में और इस आनंद सागर में एक बार फिर एक उस लहर का नाम मैं ले रही हूँ जो अपनी मौज में जिंदगी को एक नए अर्थ नए नाम देते हुए कितनी छोटी छोटी लहरों को समेटते हुए एक विशाल सागर का रूप धारण कर चुकी है आदरणीय विज्ञान व्रत जी आपसे अनुरोध करूंगी आपकी रचना के लिए बहुत बहुत शुक्रिया राजुल जी वैसे इतनी रेशमी आवाज और इतनी इतना इतना सौम्य चेहरा की बात पढ़ना थोड़ा मुश्किल तो होता है anyway, मैं एक शेर देखें मतलब देखें अर्ज करता हूं कि खुद को देख रहा हूं तब से प्रमिला जी बैठे सुन रही है ना जी सुन रही है अच्छा भारती जी उनको नमस्कार करते हुए एक मतलब देखें कि खुद को देख रहा हूं तब से खुद को देख रहा हूं खुद को देख रहा हूं तब से उसने मुझको देखा जब से और साहब तू तो एक बहाना था मतलब एक और देखें तू तो एक बहाना था तू तो एक बहाना था हमको धोखा खाना था शुक्रिया साहब और क्या ये देखें दो गजलें पढ़ रहा हूं हमें टाइम लिमिट में भी रहना है अपने जी वो सितमगर है मतलब देखें गजल का वो सितमगर है तो है वो सितमगर है तो है अब मेरा सर है तो है क्या बात है तो है और साहब ये वो सितमगर है तो है अब मेरा सर है तो है और आप भी हैं मैं भी हूं आप भी हैं मैं भी हूं अब जो बेहतर है तो है क्या बात है और जो हमारे दिल में था
अर्ज किया है कि जो हमारे दिल में था, जो हमारे दिल में था अब जबान पर है तो है। और शेर देखें कि एक सच है मौत भी, एक सच है मौत भी, वो सिकंदर है तो है। तो क्या बात है, वाह वाह, बहुत खूब बहुत खूब, एक बहुत एक सच है मौत भी, वो सितंबर वो सिकंदर है तो है। और ये शेर देखें कि दुश्मनों की राह में, क्या दुश्मनों बात, की राह में, दुश्मनों की राह में है मेरा घर है तो है। क्या बात है, क्या बात है, बहुत और खूब बहुत। साहब ये शेर देखें, गजल का आखिरी शेर करता है, गजल का आखिरी शेर करता हूँ कि दुश्मनों की राह में है मेरा घर है तो है। और पूछता क्या हूँ पूछता हूँ पूछता हूँ बस उसे, दुश्मनों की राह में है मेरा घर है तो है। और पूछता हूँ बस उसे, पूछता हूँ बस उसे, अब वो पत्थर है तो है, क्या बात है, क्या बात वो सितंबर है तो है, अब मेरा सर है तो है, है। एक वाह, गजल और पढ़ देता हूँ, आपका स्वागत है सर, एक गजल और पढ़ देता हूँ। आज की महफिल बहुत ही अच्छी महफिल रही, अच्छे लोग हमसे जुड़े, श्रोता के रूप में जो स्वयं में बहुत बड़े कवि हैं, सारे लोगों को ही करीब करीब जानता हूँ मैं। और राजुल जी का पुनः धन्यवाद, उर्वशी जी आई इस महफिल में चार चांद लगाने के लिए, उनका पुनः धन्यवाद। एक गजल आप और देख लें कि साहब, एक मतला गजल का अर्ज करता हूं, मतला देखें गजल का, कि जी घर तो इतना आलीशान, वाह, घर तो इतना आलीशान, लेकिन गायब रोशनदान। वाह वाह वाह, क्या शुक्रिया बात है, शुक्रिया। घर क्या तो बात, इतना आलीशान लेकिन गायब रोशनदान। एक गजल के चंद अशआर देखें, मतलब अर्ज करता हूं कि मुझ पर कर दो जादू टोना, क्या बात है, क्या बात, मुझ पर कर दो जादू टोना, एक नजर ऐसे देखो ना, क्या बात है, वाह वाह, मुझ पर कर दो जादू टोना, एक नजर ऐसे देखो ना। और बहुत इतने खूब, दिन में, मतलब गजल का शेर देखें कि एक मुझ पर कर दो जादू टोना, एक नजर ऐसे देखो ना। और इतने दिन में घर आए हो, शेर देखें कि इतने दिन में घर आए हो, इतने क्या दिन में घर आए हो, घर जैसे कुछ देर रहो ना। क्या बात, क्या बात है, वाह 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 वाह, और बादल हो, शेर देखें, शुक्रिया, इतने दिन में घर आए हो। और बादल हो तो बादल हो या तुम, या बादल हो या तुम खुशबू हो, बादल हो या तुम खुशबू हो, बादल हो तुम या खुशबू हो, बादल हो तुम या खुशबू हो, बरसो खुलकर या बिखरो ना। क्या बात है, क्या बादल हो बात तुम है, या क्या बात खुशबू है, हो, वाह, क्या बरसो खुलकर या बिखरो ना। और वाह, साहब शेर देखें कि ढूंढ न पाया खुद को घर में, ढूंढ न पाया खुद को घर में, ढूंढ न पाया खुद को घर में, छान फिरा हूं कोना कोना। वाह और वाह, गजल का आखिरी शेर करता हूं, ढूंढ न पाया खुद को घर में, इतने दिन में घर आए हो, घर जैसे कुछ देर रहो ना। गजल का आखिरी शेर करता हूँ, इतने दिन में घर आए हो, घर जैसे कुछ देर रहो ना। और तब से तुमसे खुद को वापस क्या लूं, मुझ पर कर दो जादू टोना, एक नजर ऐसे देखो ना। और तुमसे खुद को वापस क्या लूं, तुमसे खुद को वापस क्या लूं, रखो अब तुम ही रख लो ना। वाह वाह वाह, क्या मुझ पर बात कर है, क्या दो, बात, शुक्रिया, मुझ पर कर दो जादू टोना, एक नजर ऐसे देखो ना। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, सामईन का, राजुल जी का, और जो श्रोता, प्रबुद्ध श्रोता हमारे साथ जुड़े उनका बहुत बहुत शुक्रिया। उर्वशी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाई अपने
अपने इतने बिजी टाइम से समय निकाल के। हाँ मुझे पता है आप इतना लिखता है, बहुत लिखती हैं और घर भी संभालती हैं, कोई मजाक नहीं है, बहुत बड़ी बात है अपने आप में। जी राजुल जी बहुत बहुत शुक्रिया, माइक आपके हाथ में है। जी जी आज की इस शाम को यहीं पर विराम दे रहे हैं, और आप दोनों ही रचनाकारों का बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रही हूँ। बहुत खूबसूरत समय बीता और इतना सुंदर समय मेरी पटल पर मुझे संजोने देने के लिए, मेरी स्मृतियां संजोने देने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, और खास तौर से विज्ञान रथ जी का मैं हृदय से आभारी हूँ मैं उनकी, कि उन्होंने एक बार में, हालांकि मैंने बहुत डरते डरते, आदरणीय उर्वशी जी से तो पहले भी बातचीत हो चुकी है और उनसे वो इस पटल पर आई हैं और बहुत मैं उनसे सुना है उनको और बहुत प्यारी बातें करती हैं, उनसे मिल चुकी हूँ, तो ये तो उनसे बात करते हुए तो एक अच्छा, एक बार दोबारा मिलना बहुत अच्छा लगा। लेकिन आदरणीय विज्ञानप्रद जी के बारे में जो सुना था उससे वैसा ही उनको पाया, उतना ही ज्यादा सहज सरल, और जो एक कलाकार की एक नर्म दिली होती है वो उनके अंदर, तो इन सभी बातों के लिए और आपकी रचनाओं के लिए आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। आज की शाम को यहीं पर विराम दे रहे हैं और उम्मीद है जी, इसका इस इसका इस प्रोग्राम का अगर रिकॉर्डिंग मुझे भेज दें आप तो अच्छा रहेगा, ठीक है ना। कुछ लोग ऐसे हैं जो जुड़ नहीं पाए, वो चाहते हैं कि उनको ये रिकॉर्डिंग मिले, मेरे बेटियों को दोनों को मिल जाए। बहुत शुक्रिया राजुल, बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा आपके साथ सुनाने, तो मैं आज कुछ तरीकी में आई थी, खैर अगली बार तो अच्छा लगेगा दोबारा आकर के, आप पहले भी आई थी जरूर, तो सराइकी वाली बात हमारी रह गई है लेकिन उसको हम आगे जरूर बढ़ाएंगे, और हमें बहुत सराइकी, जब सराइकी में जब पढ़े आप तो उसका उसका तर्जुमा भी होना चाहिए साथ साथ, उसका उसका हिंदी में समझाएं आप, क्योंकि मेरी सराइकी समझ आएगी क्योंकि हिंदी बोलने वाले को। मैंने मैंने उनको सुना है, वंशी बलदेव वंशी को सुना है, बलदेव वंशी को मैंने बहुत सुना है, वो मेरे बहुत अच्छे मित्र थे, बहुत अच्छे मित्र थे, हमने कई गोष्ठियां अटेंड की हैं साथ साथ, कभी समय उस पे दूरदर्शन पे भी, बलदेव वंशी जी, दिल्ली जानती होंगी आप, दिल्ली यूनिवर्सिटी में थे बलदेव वंशी, हाँ बहुत अच्छे अच्छे सराइकी में अच्छी अच्छी रचनाएं करते थे वो। एनीवे जी जी, तो आज की शाम के लिए आप सभी को धन्यवाद देते हुए, और हमारे जो साथ में जुड़े प्रबुद्ध श्रोता उन सभी को धन्यवाद देते हुए, आदरणीय प्रमिला भारती जी ने कहा है कि एक अरसे बाद आपको सुन रही हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। दिव्या त्रिवेदी ने कहा है बेहद प्यारी गजल है, मुझ पर कर दो जादू टोना है, एक नजर ऐसे देखो ना, वाकई यकीन शानदार प्रस्तुति। सुधा आदेश जी ने कहा है, सेवाराम रत्नानी जी ने कहा है वेरी नाइस प्रोग्राम, थैंक यू सो मच सेवाराम जी। और आज की इस शाम को यहीं पर विराम दे रही हूँ, आप सभी का धन्यवाद, नमस्कार, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।